ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी और बुरी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। सियासी जगत में शोक की लहर है, लगातार प्रतिक्रियाएं हम तक आ रही हैं। और इस वक्त अपडेट यह भी है कि पणजी में उनकी आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया गया है और जो बड़े नेता हैं उनके जल्द ही गोवा पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे, 63 साल उनकी उम्र थी और सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि गोवा देश के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सोमवार को यानी कल सुबह 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके शोक जताया और ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि गोवा के सीएम के निधन से वो बेहद दुखी हैं। बीते 1 साल से बीमारी से पूरी जीवटता के साथ मनोहर पर्रिकर संघर्ष कर रहे थे। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वो एक सम्मानित नेता थे, गोवा के सबसे अच्छे लोगों में से थे और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। और आपको ये बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार बीमारियों से परेशान थे और इसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर रहे थे। निर्जा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। निर्जा जी, बुरी खबर है, आप कैसे याद करेंगे मनोहर पर्रिकर को? देखिए, दो तरह से याद करते हैं उन्हें। एक तो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, दूसरा गोवा के लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे। और कई पॉलिटिशियंस होते हैं जो दिल्ली आके दिल्ली में रम जाते हैं और कई होते हैं वो अपने प्रदेश को भूल नहीं पाते, तो मनोहर पर्रिकर उनमें से, जैसे ए के एंटनी भी हैं केरला के, दिल्ली में रहे हैं लेकिन केरला में ही ग्राउंडेड ज्यादा थे, उसी तरह मनोहर पर्रिकर भी थे। और ये एक कारण था कि उनको वापस भेजा गया था। और बीमार थे, पैनक्रियाटिक कैंसर तो बहुत ही मतलब सीरियस चीज है और पिछले दिनों तो काफी लग रहा था कि अंत आ गया है। तो अब जो होगा, गोवा में सीन बहुत ही अजीब हो गया है कि 12 भाजप के हैं, 14 कांग्रेस के हैं, कांग्रेस ने दावा किया है सरकार बनाने का, और क्या होगा इस समय? बिल्कुल, क्या होगा ये तो ये वक्त की बात है निर्जा जी, लेकिन एक ऐसे नेता के तौर पर भी उन्हें याद किया जाएगा जो राजनीति में भविष्य के संकेतों को शायद सबसे बेहतर तरीके से समझते थे। यही वजह है कि जब 2013 में, शायद प्रधानमंत्री मोदी हमेशा इस बात को याद भी रखेंगे कि जब 2013 में बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बातचीत आ रही थी तो सबसे पहले ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने इस बात की वकालत की थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। जी बिल्कुल, उन लोगों में थे जिन्होंने पहले ये पेशकश की थी कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए और फिर उनको यहाँ रक्षा मंत्री बनाया गया। जैसे कि मैंने कहा उनको, मैं तो गोवा में उनसे मिली हुई हूँ जी, बहुत लोकप्रिय थे, गोवा के बहुत लोकप्रिय नेताओं में थे। और जैसा मैंने कहा, अपनी ईमानदारी की छवि थी उनकी जिसके लिए जाने जाते थे, और भाजप ने वापस भी उनको इसलिए भेजा था कि वो सबको इकट्ठा लेके चलने की क्षमता रखते थे। तो ये तीनों चीजें थी मनोहर पर्रिकर के बारे में जिसके बारे में लोग याद रखेंगे बहुत समय तक उनको। एक पत्रकार के तौर पर जब निर्जा जी आपसे मुलाकात हुई थी जिसका आपने जिक्र किया, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें? नहीं, बहुत ही जैसे अनअस्यूमिंग होता है, उनके ऑफिस में मैं मिली थी, बातचीत मतलब कोई वो जैसे होता है ना चीफ मिनिस्टर का ताम झाम जो होता है उस तरह का नहीं था। अनअस्यूमिंग थे, नॉर्मल बातचीत, और यही मुझे उनकी वो मीटिंग के बारे में याद है जी। क्या हमने चर्चा की थी वो तो मुझे अभी याद नहीं है। निर्जा जी बेहद सादगी तौर पर सादा जीवन व्यतीत करते थे, अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर जिंदगी में कभी उन्होंने शौक पाला नहीं। अगर हम उनको याद करें, जो तस्वीर जहन में उभरती है, हाफ शर्ट फुल पैंट, गले में चश्मा और जब जरूरत हो तो चश्मे को वो आंखों पर चढ़ा लेते थे, यही तस्वीर एक जहन में उभरती है। अपने लिए व्यक्तिगत जिंदगी में कभी शौक उन्होंने कोई नहीं पाला? हाँ नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं आप, सादगी की थी और उनकी छवि सादगी थी, ईमानदारी की थी और लोकप्रियता की थी। आम जनता में जो लोकप्रियता होती है ना, लोग पसंद करते हैं आपको सही मायने में, वो छवि थी मनोहर पर्रिकर की। ठीक है निर्जा जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निर्जा चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वरिष्ठ पत्रकार।
हम दोनों एक ही साथ में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था। मोदी के नेतृत्व में इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मनोहर जी राजनीति में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना व्यवहार, अपनी कार्य पद्धति सबके सामने एक आदर्शवत कार्यकृति बनाई थी। उनको खोने से आज हम सबने एक महान नेता को जरूर खोया है, साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है। और ऐसी क्षति भरने के लिए मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगा। गोवा की जनता के और मेरे मित्र मनोहर जी के पूरे परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है भगवान उन्हें उनकी आत्मा को पूरी शांति देगा। आने वाले दिनों में हम सब उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने निस्वार्थ भाव से संगठन के सिद्धांतों के अनुसार देश हित में अपना बहुमूल्य योगदान किया है, वो चार बार के लगभग तो मुख्यमंत्री रहे हैं गोवा के, देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, पार्टी में भी विभिन्न दायित्वों को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अंतिम सांस तक देश सेवा में लगे रहे। ये एक अनुकरणीय उदाहरण है और मैं समझता हूं शायद ही दुनिया में ऐसा कोई एक और उदाहरण होगा कि जिसमें व्यक्ति अंतिम क्षण तक अपने राज्य की सेवा के लिए लगा रहा हो। सर, जब गोवा को याद किया जाता है तो एक सालीन, एक उदार चेहरा जो राजनीति में दूसरे क्षेत्र को छोड़कर आए थे, अब उनसे कितनी बड़ी क्षति है गोवा को? देखिए, गोवा तो कोई नहीं, देश को क्षति हुई, क्योंकि ऐसे राजनेताओं के अनुकरणीय उदाहरण से और लोग प्रेरित होते हैं और एक स्वच्छ राजनीति करने की प्रेरणा लोगों को मिलती है, जिसका इधर कुछ वर्षों से अभाव हुआ है। तो एक गहरा अभाव हो गया है उनके चले जाने से, और विशेषकर उन नवयुवकों के लिए वो एक ऐसे आदर्श नेता के रूप में उभर रहे थे कि जिन्होंने बिना किसी संकोच के जब जो काम कहा गोवा के हित में, देश के हित में, उसे स्वीकार किया। और इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि अंतिम क्षण तक वो अपने प्रदेश की सरकार को बचाए रखने में, काम करते रहने में उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया। मैं समझता हूं एक आजकल के युग में ऐसा अनुकरणीय उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। गोवा बीजेपी की भरपाई अब कैसे होगी जो वो रहे नहीं, 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 तो उसके अलावा ऐसा तो नहीं होता। देखिए, गोवा किसी भी व्यक्ति के अभाव से उसका स्थान तो नहीं कोई ले सकता, लेकिन संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है और इसमें ऐसे लोग हैं कि जिनको संगठन अगर जवाबदारी देगा तो उसे वो निभाएंगे। हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। हमारे तो पहले अध्यक्ष जनसंघ के डॉक्टर मुखर्जी स्थापना के कुछ ही दिनों में चले गए थे, लेकिन तो भी जनसंघ बढ़ता रहा, आगे चलता रहा, लोग निकलते रहे। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा कि भरपाई बिल्कुल ही नहीं हो सकती। हाँ, दिक्कत हो सकती है, छांटने में दिक्कत हो सकती है और किसी को उस आदर्श के स्तर पर पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि काम कैसे नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, हमारी पार्टी में बहुत क्षमता है। अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ है, दिगंबर कामत जी के बीजेपी में आने की बात चल रही है। मुरली मनोज जोशी को आप सुन रहे थे, मिले सहस्त्र बुद्धे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, उनके गैप को शायद कोई भर नहीं पाएगा, मनोहर पर्रिकर को हमेशा अपने सादगी के लिए याद किए जाएंगे। देखिए, मनोहर पर्रिकर जी ने अपने परिश्रम से, अपनी कार्य निष्ठा से राजनीति के एक अद्भुत नेता का उदाहरण मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किया है। उनके जीवन से सीखने लायक बहुत सारी बातें थी, मगर सबसे महत्वपूर्ण है कि सत्य निष्ठा, कार्य के प्रति लगन और एक कर्मयोगी प्रवृत्ति से जीवन जीते हुए भी आप किसी भी तरीके से काम के प्रति वफादार होने के कारण एफिशिएंसी का, कार्यक्षमता का भी परिचय दे सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कार्यक्षम लोग उतने
सादगीपूर्ण और सच्चाई के साथ व्यवहार नहीं करते और सच्चाई और सादगी का अवल अनुवर्तन करने वाले लोग कार्यक्षमता की कसौटी पर खड़े नहीं हो सकते। मनोहर पर्रिकर भी उन विरले व्यक्तित्वों में से थे जिन्होंने कार्यक्षमता का भी परिचय दिया और सत्यनिष्ठा का भी परिचय दिया। और अभय जी, आप तो आप काफी करीब होंगे उनके, कोई एक ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए, क्योंकि अब वो ऐसे बिरले नेता भी थे जो शायद भविष्य के संकेतों को उनसे बेहतर कोई समझ नहीं पाता था। मैं इससे पहले भी चर्चा कर रहा था कि 2013 में जब बातचीत हो रही थी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर, तो वो पहले ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, इसकी वकालत करने वाले वो पहले सबसे बड़े नेता थे। सही बात है, उनको राजनीति के अंदर विशेष रूप में रुचि इसलिए थी कि वो कोई परिवर्तन करना चाहते थे। कई बार वो कहते थे कि अगर हम कुछ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, स्थिति को यथावत रखेंगे, तो हमारे राजनीति में आने का कोई उपयोग नहीं है। एक बार वो रक्षा मंत्री रहते हुए मैं उनके दिल्ली के निवास पर गया था, तब जो दृश्य मैंने देखा वो आज भी मेरे आंखों के सामने है कि फाइलों के ढेर लगे हुए है, उसके बीचों बीच हमारे परिकर जो बैठे हैं और वो एक एक फाइल को बड़े बारीकी से पढ़ते हुए फिर उसको क्लियर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि 1:30 बजे से दोपहर के ये काम रात्रि 1:30-2 बजे तक चलता है और मैं किसी भी फाइल को अटकाए नहीं रखता, क्योंकि मुझे निर्णय जल्दी होना आवश्यक लगता है, जिसके कारण हमारे रक्षा प्रशासन को एक दृष्टि से गतिशीलता का लाभ होगा और निर्णय समय पर हो पाएंगे, जिसके कारण हमारी सेना को भी बहुत बड़ा बल मिलेगा। विनय जी, आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी, उस मुलाकात की कोई बात? मैं लगभग 1.5-2 महीने पहले गोवा गया था, पार्टी के कैंपेन की पूर्व तैयारी का एक भाग था वो, और मनोहर जी को मिल सकता हूँ क्या, मैंने पूछताछ करी तो मुझे बताया गया कि जरूर मिल सकते हैं। वो अपने घर में थे और उनके मित्र वगैरह भी घर में थे, मगर वो पाइप वगैरह सब नाक में लगाया हुआ था, बावजूद इसके वो फाइलें पढ़ने में और आवश्यक लोगों के साथ विमर्श करने में पूरे तरीके से निमग्न थे। मेरे साथ उन्होंने बात की, कहा कि काम तो मैं कर ही रहा हूं और काम को मैं रोकने नहीं दूंगा और ये तो मेरा मेरी जीवन का ये एक अभिन्न हिस्सा है, और यद्यपि सेहत के सारे प्रश्न हैं, चुनौतियां हैं, मगर मैं उन चुनौतियों का निरंतर सामना करूं। कोई ऐसा राजनेता हाल फिलहाल में दिखाई नहीं देता है विनय जी, जो इस तरीके से अपने काम को लेकर जुझारू रहा हो, अपने काम को लेकर वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा हो। उनका एक कमिटमेंट था कि वो आखिरी सांस तक गोवा की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। नाक में पाइप लगे वो सदन पहुंचते थे, वहीं पर उन्होंने वैसे ही बजट पेश किया था। उन्होंने कहा था कि मैं पूरे होश में हूं, पूरे हवास में भी हूं और मैं ये बजट पेश कर रहा हूं, तो ऐसी जीवटता किसी राजनेता में दिखती नहीं है। देखिए, हमारे कार्यकाल में तो शायद ऐसे कम उदाहरण देखे होंगे, मगर मैं मानता हूं कि जिस संस्कारों में मनोहर पर्रिकर जी पले बढ़े थे, पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो कार्यकर्ता थे, गोवा के संघ चालक तक थे, बहुत कम आयु में वो गोवा में संघ चालक बने थे और बाद में वो राजनीति में आए। मूलतः IIT की ग्रेजुएट इंजीनियर और बड़े मेधावी छात्र, फिर संघ के अत्यंत समर्पित कट्टर स्वयंसेवक और उसके बाद राजनीति में प्रवेश करने के बाद अपनी प्रतिभा का परिचय यहाँ पर भी उन्होंने दिया, प्रयासों की, परिश्रम की, पराकाष्ठा की और अपनी नाम मुद्रा गोवा के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन पर और उधर रक्षा मंत्रालय पर छोड़कर वो हमसे मिला। ठीक है विनय जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यसभा सांसद और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी विनय सहस्रबुद्धे हमारे साथ जुड़े हुए थे और यादों में किस तरीके से हमेशा बसे रहेंगे मनोहर पर्रिकर, इस बात का जिक्र करते हुए और राजनीति में किस हद तक वो आगे बढ़े थे, किस तरीके से उन्होंने तेजी से तरक्की की थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि जब गोवा की राजनीति में विपक्षी नेता वो बने, उसके सिर्फ एक साल के अंदर वो गोवा के मुख्यमंत्री बन गए। चलिए फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी उर्वशी का। उर्वशी, बताइए आपके पास क्या जानकारी आगे की, क्या अपडेट आपके पास? जी, हम देख रहे हैं कि किस तरह से कई बड़े नेता जो है गोवा के लिए निकले हैं, इस पूरे दुखद घड़ी में और पूरे अपना शोक जताते हुए हर कोई बड़ा नेता गोवा की तरफ जा रहा है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है वो कल गोवा के लिए निकलेंगे। नितिन गडकरी जिन्होंने कहा कि वो खुद
आज गोवा के लिए निकल रहे हैं। कल जो है प्रोबेबली फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में उनके दर्शन जो है उसके लिए ओपन होगा। अभी तक पूरी डिटेल्स आना बाकी है, बट फिलहाल हम देख रहे हैं कि कैसे पूरे देश में एक शोक की लहर है, एक वैक्यूम, एक ऐसी खाली जगह जो शायद कभी कोई भर ना पाए, एक ऐसा लीडर। ठीक है उर्वशी, चलिए हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्वशी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और लगातार इस बीच हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं ट्विटर के जरिए शोक संदेश अलग अलग नेताओं के। अरुण जेटली, माजी संरक्षण मंत्री, भारतीय जनता पक्षाचे नेते मनोहर पर्रिकर जी यांचं दुःखद निधन झालं ही आमच्या सर्वांकरताच एक अत्यंत धक्कादायक अशा प्रकारची घटना आहे। एक अत्यंत उच्च विद्या विभूषित पण जनसामान्यांचा नेता, भारत मातेचा सच्चा सुपुत्र आणि ज्यांनी राजकारणामध्ये आपला वेगळेपण हे सिद्ध करून दाखवलं असे मनोहर जी। मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्रेजुएट इंजीनियर, विचारधारा के प्रति समर्पित, बहुत ही योग्य प्रशासक, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि सभी उनकी बात मानते थे। जब केंद्र में आया रक्षा मंत्री के रूप में तो बड़ा काम किया, जब मैं अटल जी की सरकार में आईएमबी मिनिस्टर था तो उन्होंने जो गोवा फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है हमने आग्रह किया, उन्होंने 6 महीने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 4 महीने में बनवा दिया। आज देखो कितनी बड़ी बात हुई है। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काफी काम किया सर्जिकल स्ट्राइक के समय, और गोवा के विकास के लिए वो काफी सक्रिय थे। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके, इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे, तो बहुत पीड़ा है। मेरे अच्छे मित्र थे, पार्टी के नेता थे, मैं उनको बहुत संवेदना देता हूं। 63 साल की उम्र कोई जाने की नहीं होती है, लेकिन आज हम उनकी यादों को हमेशा सजोएंगे और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश से आकर हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर इतनी बड़ी छाप छोड़ना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। अनटाइमली डेथ ऑफ मनोहर पर्रिकर जी। I had known him for few decades, in spite of the fact we were in two different political parties, but I always appreciated his work. He was a very good parliamentarian and a very social person. And we never expected that he will leave us soon. It is so sad. I express my condolences to the family members of late Parrikar ji. मेरे व्यक्तिगत रूप से, मेरे व्यक्तिगत जीवन में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी वो मेरे बहुत ही नजदीक के मित्र थे। उनके जीवन के सुख दुखों के साथ मेरा सतत संबंध रहा। गोवा के राजनीति में जब जब जाता था तो स्वाभाविक रूप से उनके कारण संबंध और बढ़ा, और मेरे ऐसे बहुत ही निकटस्थ मंत्री को, मैं निकटस्थ मित्र को, आज मैं मेरे साथ वो नहीं है, इस बात का मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा दर्द और दुख है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये हादसा सहन करने की ताकत दे, यही ईश्वर चरणों में मेरी प्रार्थना है। मुझे भी उनके साथ लंबे समय काम करने का अवसर मिला। इतना सादगी, इतना साफगोई के साथ, इतना स्पष्ट विचार और डेवलपमेंट के प्रति जो उनका एक नजरिया था हम जैसे लोगों के लिए, और मैं जब भी उनसे सुझाव लेता, जब भी उनसे बात करता, हर विषय में उनका एक अलग दृष्टिकोण होता था। आईआईटी से निकल के एक राजनीति के क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है इस विषय पे, और एक बहुत भला आदमी हम सबके बीच से चला गया, जिसको देश की जरूरत थी, जिसके विकास और डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था वो गोवा से हटकर गोवा के साथ। बीजेपी नेता प्रभात जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रभात जी, मनोहर पर्रिकर को आप कैसे याद करेंगे, यादों में किस तरीके से? मनोहर पर्रिकर भारतीय राजनीति के वो शख्सियत थे जो बोलते थे वैसा जीते थे। वे ईमानदारी,
के जीते जागते प्रतीक थे, वो समर्पित भाव से काम करते थे, सादगी उनकी पहचान थी और मुख्यमंत्री रहते हुए लंबेटा और वेस्पा पे चलने वाले वो पहले मुख्यमंत्री थे। वो छोटे से गोवा के सबसे बड़े व्यक्ति थे। आज जब ये खबर आई है तो गोवा के हर बच्चों के आंख में आंसू आए होंगे। वो बच्चों के जन्मदिन में चले जाते थे, उन्होंने सादगी ऐसी थी कि अपने दोनों बेटों की शादी जो की उस शादी को भी कोई कह नहीं सकता था किसी मुख्यमंत्री की बेटी की शादी हो रही। वो जलवे से दूर रहते थे लेकिन जलसे के करीब रहते थे। वो जज्बा कभी दिखाते नहीं थे। उनकी लोकप्रियता इसी से दिखेगी आपको कि वो रोग सैया पर पड़े थे लेकिन जनता कहती थी, वहां के नेता कहते थे नहीं मुख्यमंत्री तो अभी यही रहेंगे, कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। इससे जीता जागता लोकप्रियता का उदाहरण नहीं मिल सकता। मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे सीट के आगे राज्यसभा में बैठते थे रक्षा मंत्री के रूप में। वो राज्यसभा में जब आए थे और मैं पीछे बैठता था, मैं उनके साथ गोवा में जब देखा जब हमारी राष्ट्रीय परिषद हुई थी उस समय उन्होंने किस तरह से रिसीव किया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, एक एक को एयरपोर्ट पे स्वयं पहुंचकर रिसीव करना, ऐसा सुंदर सरल सहज सहानुभूति संवेदनशील रखने वाला प्रामाणिक और नैतिक बल से जुड़ा व्यक्ति भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा संभाग गिरा है। वे रक्षा मंत्री के रूप में भी सबल थे लेकिन नरेंद्र मोदी जी समझते हैं, प्रधानमंत्री जी ने समझ दिया था कि गोवा की नब्ज है वो, गोवा की पल्स है वो। फिर उन्होंने कहा नहीं आप तो परिकर जी को गोवा जाना ही पड़ेगा। और आपने देखा कि मृत्यु सैया पर भी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे और उनकी जीजुता बजट सत्र में चले गए सदन में इतना बीमार होते हुए थी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। प्रभात जी, आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी और कोई एक ऐसी बात जो आपके दिल को छू गई हो आप शेयर करना चाहें हमसे? देखिए मैं बहुत सरल व्यक्ति हूं, मैं बहुत सहज हूं जी, और मुझे सरल और सहज व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं। जो लोग राजनीति में ये कहते हैं कि कुटिल लोग होते हैं ये वो, मैं उनकी राजनीतिक सरलता का कायल था। ठंड में वो कपड़े पहनकर आए तो मैं हाफ शर्ट और स्वेटर, तो मैंने कहा आपको ठंड नहीं लग रही? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं, हम तो गोवा के लोग हैं हमें कोई ठंड नहीं लगती है। और दिल्ली के ठंड का सामना वो हाफ स्वेटर से करते थे जी। मुझे मैं उनका कायल था कि क्या जिजीविता है जीने की। उस समय वो ऐसे बीमार नहीं थे लेकिन जब मैंने उनको बीमार देखा, उनके चित्र देखते थे, उनके फोटो टीवी पे देखता था तो मुझे मन को तकलीफ होता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस भारत को जिस नेता की जरूरत है उसके साथ तुमने ऐसा अन्याय क्यों किया है। सच में वो नेता के चरित्र को परिभाषित करने वाले अनुपम उदाहरण थे भारतीय राज्य। ठीक है प्रभात जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और मेरे अच्छे मित्र होता था लेकिन बार बार वो कहते थे पता नहीं क्यों हमारा गोवा और गोवावासियों के साथ एक अद्भुत लगाव है। मैं यहां पर अच्छी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, बखूबी मैं काम कर रहा हूं, सब कुछ है लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बराबर गोवा में ही लगा रहता है, ये बराबर वो चर्चा करते थे। हमेशा बोले थे गोवा। जब डॉक्टर ने आगे कोई उपाय नहीं है ऐसा बताने के बाद भी लगातार काम करते रहना, और पिछले महीने में हमारे एनआईटी का शिलान्यास उनके घर में ही हमने किया और तब भी उनके जज्बे को सलाम करने के लिए मैं गया था, तो ये एक अद्भुत भारत की राजनीति का पर्व है कि जहां इस तरह की निष्ठा हमने देखी है, तो उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि 18 तारीख को 18 मार्च को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। इससे पहले लगातार शोक संदेश पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दुख जताते हुए कहा है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और रक्षा मंत्री के कार्यकाल के तौर पर शानदार काम किया। मनोहर पर्रिकर ने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने में उनका योगदान अद्वितीय रहेगा, उसे हमेशा याद किया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि वो मेरे लिए तो भाई की तरह थे, इसीलिए उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है और मैं इससे शायद कभी उबर न पाऊं। इस बीच अपडेट यह है कि गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद उनके आवास के बाहर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दुख जताया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अब से थोड़ी देर पहले ट्विटर पर अपना शोक संदेश व्यक्त किया। श्याम जाजू इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। श्याम जी, ये बड़ी खबर है और लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो शोक संदेश आ रहे हैं, वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि पार्टी से ऊपर, विचारधाराओं से ऊपर उनकी मान्यता थी। निश्चित रूप से मनोहर पर्रिकर जी का जो व्यक्तित्व था, एक एक्स डिफेंस मिनिस्टर, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, और इससे ऊपर उनका जो कार्यकर्ता भाव था, वो पार्टी के लिए पूरे समर्पित रहते थे, अपने फिलोसॉफी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना करने वाले, और इतने बड़े पदों पर रहते हुए भी जब वो मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी जी ने जब उनको कहा कि आप अपनी कुर्सी छोड़ के देश के लिए आ जाओ और अपना दायरा बड़ा करो, आप डिफेंस मिनिस्टर हो जाओ, एक मिनट का भी समय उनको नहीं लगा और जो भी आदेश संगठन का होता था उसको स्वागत करते थे। इतने उच्च पदों पर रहते हुए भी लो प्रोफाइल रहना, इतना सामान्य जनजीवन, उनको कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि वो केंद्रीय मंत्री है, इस प्रकार का उनका रहन सहन था। मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन से उन्होंने एक अनुकरणीय इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा है। बिल्कुल। और शांति, जब वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की बातचीत होती है, एक ईमानदार नेता की तस्वीर अब तो लोग देखने के लिए तरस जाते हैं, ऐसे में उनकी तस्वीर जब जहन में आती है तो ईमानदारी अपने आप झलकती है और इस बात के लिए शायद वो हमेशा याद किए जाएंगे। निश्चित रूप से क्रिश्चियन वाला स्टेट जो माना जाता है गोवा, वहां के क्रिश्चियन एमएलए भी उन पर विश्वास अस्वस्थ रहते थे, ये है तो गोवा का फ्यूचर ब्राइट है, और अपने व्यवहार से उन्होंने कभी किसी को ऐसा नहीं बड़प पर बताया अपना, ये उनकी विशेषता थी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नेता इस टाइम जाना, एक आदर्श है जिस पर लाइफ लॉन्ग एक भी आरोप नहीं लगा, ऐसा नेता को जाना है हमारी पार्टी के लिए और अपने देश के लिए, ये बड़ी क्षति है। रक्षा मंत्री के तौर पर श्याम जी, रक्षा मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में उन्हें याद किया है कि साहसी थे, सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया, और जब रक्षा मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को याद करते हैं तो दो बड़े ऑपरेशन याद आते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और म्यांमार में सेना ने जो ऑपरेशन चलाया था। जी निश्चित रूप से, भारत ने पहला जो म्यांमार का किया और उसके बाद का सर्जिकल स्ट्राइक, दोनों समय देश का नेतृत्व करने वाले मनोहर पर्रिकर जी थे, और सबसे बड़ी बात उनको कहीं भी अपनी बात बोलने की आदत नहीं थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सीक्रेसी होती है डिफेंस मिनिस्टर के लिए, उसमें वो एकदम काबिल थे, और कभी भी मीडिया में, कभी भी किसी कार्यकर्ताओं के बीच लूज कमेंट नहीं करना और अपनी बात का महत्व रखना गहनता से, गंभीरता से, ये उनकी विशेषता थी। बहुत ही एक अच्छा व्यक्तित्व हमने आज किया है। श्याम जी, आपसे उनकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी, मुलाकात में क्या बातचीत हुई थी, और कोई एक ऐसी बात जो कभी आपके दिल को छू गई हो आप उसे हमसे शेयर करना चाहें? उत्तराखंड में एक सैनिक के जो शहादत हुई थी उसके घर से मिलने जाने के लिए हम दोनों साथ में गए थे, वो मेरा उनके साथ का आखिरी प्रवास था, हम साथ ही प्लेन में यहाँ से गए थे, और सबसे मेमोरेबल याद मेरी ऐसी है जब गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी की घोषणा हुई थी, और घोषणा के टाइम ये मुख्यमंत्री थे, तो हमारे दो सत्रों के बीच में जब मैं मीटिंग हॉल के नीचे आया तो मैंने देखा एक हाथ से वो फोन उठाकर फोन से बात कर रहे और दूसरा गोवा की एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक एक महिला को छोड़ने का काम, रास्ता क्रॉस करा देने का काम उन्होंने किया, तो मुझे लगा कि ये कमाल की बात है। मैंने उस महिला को पूछा, यू नो हु इज दिस, तो बोले यस आई नो ही इज माय सीएम, तो उसके लिए ये नेचुरल बात थी। सीएम होते हुए एक बूढ़ी को इस प्रकार का रास्ता क्रॉस करा देना, वो मैंने उनका प्रत्यक्ष देखा हुआ उदाहरण है, इतना उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। ठीक है श्याम जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम जाजू, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और सादगी भरे व्यक्तित्व को याद करते हुए। तो बहुत समय से नहीं है, तो पिता रहते हुए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को ठीक अपने नक्शे कदम पे ट्रेनिंग दिया और उनको उसी प्रशिक्षण के तहत आगे बढ़ाया, और वो चीजें हमने अपनी आंखों से देखी है कि एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताना और असाधारण कार्य करना, ये उनके व्यक्तित्व की खासियत थी। IIT बॉम्बे के वो छात्र रहे हैं, इंजीनियर थे, और मेटलर्जी की उनकी स्पेशलिटी थी। उन सब चीजों के बावजूद कभी उनके चेहरे से
कुछ भी ऐसा नहीं झलका कि जो आप सोचते हैं कि किसी उस लेवल के व्यक्ति का एक साधारण व्यक्ति की तरह बातचीत करना और सबको ऐसा महसूस हो कि अपने ही परिवार के सदस्य हैं, ऐसे उन्होंने जीवन बिताया। और गोवा के लोग तो हर जन उनको अपना ही मानता था, इतने अधिक पॉपुलर थे, जाति धर्म से ऊपर हटकर उन्होंने वहां पर राजनीति जमाई थी। रूप से मेरे व्यक्तिगत जीवन में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी वो मेरे बहुत ही नजदीक के मित्र थे। उनके जीवन के सुख दुखों के साथ मेरा सतत संबंध रहा। गोवा के राजनीति में जब जब जाता था तो स्वाभाविक रूप से उनके कारण संबंध और बढ़ा। और मेरे ऐसे बहुत ही निकटस्थ मित्र को आज मेरे साथ वो नहीं है, इस बात का मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा दर्द और दुख है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये हादसा सहन करने की ताकत दे, यही ईश्वर चरणों में मेरी प्रार्थना है। मुझे भी उनके साथ लंबे समय काम करने का अवसर मिला। इतना सादगी, इतना साफगोई के साथ, इतना स्पष्ट विचार और डेवलपमेंट के प्रति जो उनका एक नजरिया था हम जैसे लोगों के लिए, और मैं जब भी उनसे सुझाव लेता, जब भी उनसे बात करता, हर विषय में उनका एक अलग दृष्टिकोण होता था। IIT से निकल के एक राजनीति के क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है इस विषय पे, और एक बहुत भला आदमी हम सबके बीच से चला गया जिसको देश की जरूरत थी, जिसके विकास और डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था वो गोवा से हटकर गोवा के साथ पूरे देश के लिए एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसको आज सबसे ज्यादा देश की जरूरत थी। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा जब मैं नागरिक उड्डयन मंत्री था और वो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, तो जब भी मैं जाता था तो उनसे नया एयरपोर्ट बने, नया पुल बने, इसी में लगे रहते थे। बीमारी से संघर्ष करते हुए भी उन्होंने कहा था कि अपने सांस का एक एक पल इस देश की सेवा में लगाएंगे, और लगाया उन्होंने। इतनी बड़ी बीमारी होते हुए भी एक पल के लिए गोवा का काम और देश का काम उन्होंने रुकने नहीं दिया। गोवा को बनाने के लिए बहुत काम किया उन्होंने। रक्षा मंत्री रहते हुए इस देश की बहुत सेवा की, हम उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर के नाते भी बहुत अपने विचार अलग रखे, चाहे वो कोई भी डिफेंस का मैटर हो, बड़े संजीदगी से उसको सुलझाने की कोशिश करते थे। उसके ध्यान से पॉलिटिक्स में खैर एक गैप वहां पर आया है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि एक अच्छा पॉलिटिशियन को हमने खोया है, इसलिए मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूं और अभूतपूर्व श्रद्धांजलि उनको मेरे ओर से, मेरे पार्टी के ओर से अर्पित करता हूं। कविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। कविंद्र जी, मनोहर पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं है, शोक की लहर, और सभी शोक संतप्त हैं और सभी उनको याद कर रहे हैं उनके सादगी भरे व्यक्तित्व के लिए। ऐसा है कि उनकी इस मृत्यु पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूं उनके परिवार के प्रति, और ये पूरे केवल भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं पूरे देश को एक बहुत बड़ा इससे नुकसान हुआ है। राजनीति में स्वच्छता शुचिता को लेकर के जो उनकी छवि थी वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, और इस प्रकार के लोग जो सारा इतनी बड़ी बीमारी के दौरान भी किस प्रकार से काम करते रहे, ये उनसे सीखने की बात है। मैं सभी को आपके माध्यम से यही कहता हूं कि राजनीति में इस प्रकार के व्यक्ति की आज पूरे हिंदुस्तान को जरूरत थी, लेकिन वो आज हम में नहीं रहे। हम उनसे किए हुए कार्यों से और उनकी छवि से प्रेरणा लेकर के इस राजनीति को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
जी चलिए कविंदर जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेद प्रताप वैदिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रताप वैदिक, मैं चाहूंगा आप कैसे याद करेंगे मनोहर पर्रिकर को? मनोहर पर्रिकर मेरी राय में चाहे एक छोटे से राज्य के नेता थे, लेकिन उनमें बड़े से बड़े नेताओं के गुण थे। वे पारदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे, ईमानदारी और कर्मठता दोनों के उन्होंने प्रतिमान कायम किए हैं। वे सिर्फ गोवा के ही नहीं पूरी राष्ट्र के संपत्ति थे। मेरा उनसे निजी परिचय था, कई बार उनसे फोन पर बात होती थी, और वो रक्षा मंत्री के तौर पर भी उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया, और गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने ऐसे लोगों को भाजपा से जोड़ा, या ये कहूं कि अपनी पार्टी से जोड़ा, जो कि स्वभाव से ही लेकिन पर्रिकर की खूबी कि उन्होंने भाजपा के आधार को चौड़ा किया। इनके जाने से राजनीति में तो जिसको भरना मुश्किल है। आप मैं चाहूंगा कि एक कोई आप अपनी मुलाकात का जिक्र जरूर करें, कोई एक ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें, या फिर जब आपकी मुलाकात आखिरी हुई थी उस समय क्या बातचीत हुई थी उनसे? इधर जब वो बार बार न्यूयॉर्क जाते थे ये अपने इलाज के लिए, तो बराबर में उनको फोन करता था, लेकिन फोन पर उनसे बात नहीं हो पाती थी। उनकी सेक्रेटरी उनसे कहती थी कि अभी उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन वो आपको प्रणाम कह रहे हैं और मैं भी उनको बहुत शुभकामनाएं देता रहता था। जब वो पहले यहाँ रक्षा मंत्री थे और उसके पहले जब गोवा में मुख्यमंत्री थे, तो अक्सर उनसे मेरी बात होती रहती थी। वो हमेशा दो टूक राय रखते थे चीजों के बारे में, और चीजों को छुपाना पसंद नहीं करते थे। मैं ये चाहता हूँ कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब और अच्छी तरह से दी जाएगी जब उन पर कोई उनके जीवन पर कोई अच्छी पुस्तक लिखे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही एक जबरदस्त स्वयंसेवक थे जी। और उन्होंने अपना जीवन एक आदर्श स्वयंसेवक की तरह निभाया। उनका जीवन कहीं छपे तो वो लाखों लोगों के लिए, राजनीति में जो नए नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए प्रेरणादायक होगा। मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि उन्हें। ठीक है, वेद प्रताप वैदिक जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेद प्रताप वैदिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये एक अविश्वसनीय चीज हम लोगों के लिए है, जो लोग व्यक्तिगत रूप में आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी से जुड़े थे, इनको इस सारे मित्रों को ये खबर हजम नहीं हो रही, अविश्वसनीय है। दादा इतने कम उम्र में हम लोगों को छोड़ के जाएंगे, ये किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था। देश की एक कई मायनों में एक आइडियल पर्सन थे, एक इतने बड़े राजनीतिक हस्ती जो देश की रक्षा मंत्री रहा हो, जो गोवा की लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हो, और कभी प्लेन में जाए बाजू की व्यक्ति को पता भी ना चले कौन साथ में जा रहा है। इतने अनामिकता से काम करने वाले जननेता मनोहर जी थे। आज उनकी निधन पे भगवान उनको उनके पास ले गए। आज इस दुख की घड़ी में देश एक राष्ट्रभक्त को खोया है, देश एक सुपुत को खोया है। मैं ईश्वर के पास यही प्रार्थना करूंगा, मनोहर पर्रिकर जी की बृहद परिवार को भगवान सहायक हो और सदैव पर्रिकर जी को अपने पास रखे। भारतीय राजनीति के लिए कितनी बड़ी क्षति बात है? बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने जिसे कहा कि इन दिनों में सामाजिक जीवन में मनोहर पर्रिकर जी का जिंदगी जीना ये एक तपस्या जैसे था, ऐसे एक ऋषि प्रतिम व्यक्ति की निधन समाज की बहुत बड़ी हानि है, राजनीति की बहुत बड़ी हानि है। उनके अंतिम संस्कार में श्री मनोहर पर्रिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में ही उनका निधन हुआ। पिछले एक वर्षों से वो काफी बीमार थे, फिर भी उनमें अंदर की इतनी ताकत थी कि गोवा की सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में तमाम चुनौतियों के बाद भी वो काम कर रहे थे और अंतिम दिन तक काम करते रहे। मैं उनको देखने के लिए अमेरिका भी गया था। मेरा उनसे उनके राजनीतिक जीवन में लगभग 3 दशक का संबंध है। जब वो गोवा के मुख्यमंत्री बने, जब विपक्ष के नेता थे,
मुझे दो बार गोवा के प्रभारी के रूप में काम करने का मौका मिला और मैं समझता हूं कि देश का एक बड़ा नुकसान एक मित्र के रूप में और जो नेतृत्व उन्होंने दिया गोवा में भी दिया और जब देश के रक्षा मंत्री के रूप में आए और जिस मजबूती के साथ भारत की सुरक्षा में उन्होंने अपना योगदान दिया जिस प्रकार से सरकार में रहे मुझे लगता है कि एक देश में एक होनहार एक बहुत ही सरल व्यक्ति बहुत ही मानवीय और बहुत ही दिल के अच्छे व्यक्ति का आज निधन हुआ ये बड़ा राजनीतिक नुकसान है और मेरे लिए तो व्यक्तिगत मेरे परिवार के लिए मेरे बच्चों के लिए जिनका उनके साथ बहुत स्नेह था एक बड़ा नुकसान है। मनोहर जी की पत्नी आज से लगभग 7 साल 8 साल पूर्व उन्हें भी कैंसर ने प्रभावित किया था उनकी भी मृत्यु हो गई थी उसके बाद वो अकेले थे अपने बच्चों के साथ और वो पूरा का पूरा समय अपने राजनीतिक जीवन का सामाजिक जीवन का पूरा 24 घंटे इसी काम में रहते थे। एक मित्र एक नेता एक भारतीय जनता पार्टी और देश का नेता हमारे बीच में नहीं रहा बहुत दुख भी है लेकिन गर्व भी है ऐसे मित्र होने का गर्व भी है देश को एक ऐसा होनहार नेता मिला और शायद हम हमेशा उनको अपने दिल और हृदय में हमेशा बसा के रखेंगे भगवान उनके आत्मा को शांति दे। मनोहर पारिकर वॉज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन इन फैक्ट द डे वॉज इंडक्टेड एज अ लगातार काम करते रहना और पिछले महीने में हमारे एनआईटी का शिलान्यास उनके घर में ही हमने किया और तब भी उनके जज्बे को सलाम करने के लिए मैं गया था तो ये एक अद्भुत भारत की राजनीति का पर्व है कि जहां इस तरह की निष्ठा हमने देखी है तो उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। एक ही साथ में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मनोहर जी राजनीति में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना व्यवहार अपनी कार्य पद्धति सबके सामने एक आदर्शवत कार्यकृति बनाई थी। उनको खोने से आज हम सबने एक महान नेता को जरूर खोया है साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है और ऐसी क्षति भरने के लिए मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगा। मनोहर पर्रिकर का निधन देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी संवेदना है ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। आईआईटी मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्रेजुएट इंजीनियर विचारधारा के प्रति समर्पित बहुत ही योग्य प्रशासक कड़े फैसले लेने की क्षमता लेकिन सहजता सादगी और पूर्ण ईमानदारी और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि सभी उनकी बात माने और गोवा के विकास के लिए वो काफी सक्रिय थे। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे तो बहुत पीड़ा है। मेरे अच्छे मित्र थे पार्टी के नेता थे नहीं रहे ये हम सब के लिए ये समाचार स्तब्धकारी है। हम दुखी हैं व्यथित हैं वो सेवा सादगी और समर्पण के प्रतीक थे। जमीन से जुड़े हुए ऐसे नेता कि जिनके दिल और दिमाग में 2400 घंटे जनता की सेवा और गोवा का विकास रहता था। देश के रक्षा मंत्री के नाते उन्होंने जो काम किए वो बहुत उल्लेखनीय और अभूतपूर्व है। उड़ी पर आतंकी हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया गया था तब वे रक्षा मंत्री थे। सेनाओं को आधुनिक हथियार देने से लेकर आवश्यकताओं की पूर्ति तक अनेकों बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्हीं के समय में उठाए गए थे। सभी दल उनका सम्मान करते थे वो सच्चे देशभक्त थे महान देशभक्त थे। रक्षा मंत्री और गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर को लेकर निधन हो गया उनका 63 साल की उम्र में। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने आखिरी सांस ली। पूरा देश शोक में है सियासी जगत में शोक की लहर है।
पार्टियों से अलग हटकर, विचारधाराओं से अलग हटकर तमाम नेता उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। दे उनके परिवारजनों को हिम्मत दे इस कठिन समय में, इस दुखद निधन को सहन करने के लिए। आई प्रे टू गॉड दैट हिज सोल रेस्ट इन पीस एंड टू गिव स्ट्रेंथ टू द फैमिली टू बेयर दिस इररिपेरेबल लॉस। ही वॉज अ वंडरफुल फ्रेंड एंड एल्डर ब्रदर, समबडी ऑल ऑफ अस लुक्ड अप टू, a man of ideas, a man who brought Goa into a new era of good governance, honest government, a leader with strong skills, being an engineer himself, to come up with new ideas, new programs, new policies, and somebody who has served this nation very honorably. We are proud of our dear brother Manohar Parikarji's achievements. It's a big loss for the nation, it's a big loss for Goa, it's a big loss for Bharatiya Janata Party, and it's a big loss for me personally and my family. May God give his family the strength to bear this irreparable loss. And I'm sure. Great man, and we lost very great personality. And I, on behalf of my Republican Party of India, behalf of my Ministry of Social Justice and Empowerment, and behalf of our Ambedkar Society, we lost very great personality. मराठी में बता दीजिए किस तरह से याद है। मनोहर पर्रिकर हे अत्यंत सुस्वभावाचे होते, अत्यंत माणसामधला माणूस म्हणून आम्ही त्यांच्या पास होतो। त्यांचे आणि माझे संबंध अत्यंत जवळचे होते। ज्यावेळेला ते संरक्षण मंत्री म्हणून ज्यावेळेला दिल्लीमध्ये आले, त्यावेळेला अनेक वेळेला त्यांना भेटण्याचा योग आला, त्यांना भेटण्याची संधी मिळाली। आणि कुठलंही काम जे आहे ते कुठलंही काम अत्यंत। और चलिए सीधे मुंबई का रुख करते हैं। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। अभिषेक, आगे कोई खबर, जानकारी, अपडेट आपके पास? देखिए, लगातार मनोहर पर्रिकर के घर पर तमाम लोगों तांता लगना शुरू हो चुका है। जिस तरीके जब से खबर मिली, देखिए राकेश, पूरे तरीके से पूरे कैसे देश में शोक की लहर हो चुकी है। और जितने भी खासतौर से कहेंगे महाराष्ट्र के जितने भी कद्दावर नेता हैं, चाहे विरोधी पार्टी के हों, चाहे वह सत्ताधारी पक्ष के हों, सभी के सभी लोग इस वक्त गोवा के लिए कूच करना शुरू कर दिए हैं कि गोवा जाके कम से कम उनके घर पर उनके परिवार को सांत्वना दिया जाए, उनके अंतिम दर्शन किया जाए। हालांकि जो अंतिम दर्शन करने का जो कार्यक्रम रखा गया है, कल का रखा गया है, कल दिनभर जो कार्यक्रम रखा जाए, अंतिम संस्कार उनका कल किया जाएगा, तमाम नेता वहां मौजूद होंगे। लेकिन जिस तरीके से उनका, जिन्होंने अपने अंतिम सांस ली, अपने घर पर ली है, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, और आज बता दूं आपको करीबन 5 से अधिक डॉक्टर्स की टीम उनके घर पर मौजूद थी, और उसमें लीलावती अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद थे। लीलावती में चूंकि उनके पहले चेकिंग हुई थी, वो कई बार एडमिट हुए थे और जांच पड़ताल हुई थी, तो तमाम डॉक्टरों की टीम थी। लेकिन आखिरकार उनके अथक प्रयासों के बाद वह मनोहर पर्रिकर को बचाने में नाकामयाब रहे और वह अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन देखिये, जिस तरीके से जिस छवि के, जिस कर्तव्य की लगातार वो काम करते रहे और जिस छवि के नेता रहे मनोहर पर्रिकर, उस छवि का नेता शायद वास्तव में एक सीएम पद पर, भले नेता ऐसे बहुत होंगे, लेकिन जो सीएम पद पे या बड़े पद पर होते हुए भी वह सादगी के साथ रहा करते थे, वह वास्तव में काबिल तारीफ होगा। शायद ऐसा हमारे बीच में नेता अब आने वाले दिनों में ना मिले। उनका कारण बता दूं आपको, देखिए राकेश, गोवा में हर कोई जानता था कि कभी जरूरत पड़ती थी वो स्कूटर चला करते थे, पैदल चल जा करते थे। वो उनके अंदर ऐसा कभी भी घमंड या ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं या बड़े नेता हैं तो वह कार से ही चलेंगे या लाल बत्ती के नीचे नहीं चलेंगे। लेकिन वह हमेशा, हमने देखा था, जब कभी कहीं जाना हो तो कभी सब्जियां लेने जाते थे खुद, तो वह स्कूटर चले जाया करते थे, पैदल जाया करते थे। यानी हर घर में वह प्यारे थे। इसीलिए हमेशा कई सालों से देखा होगा आपने कि गोवा में बीजेपी का बड़ा वर्चस्व रहा है, बीजेपी को बड़ी पार्टी बनाने में, खासतौर से गोवा में
में मनोहर पर्रिकर का बड़ा योगदान रहा है, और यही वजह है कि अब जब वो चले गए हैं तो गोवा के पूरे लोग जो हैं जितने भी, वो जरूर खासतौर से इस बात को लेकर बहुत ज्यादा व्याकुल हैं और बहुत ज्यादा दुखी भी हैं। लेकिन गोवा ही नहीं बल्कि देश के लोग भी दुखी हैं। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले ही जब राहुल गांधी गोवा आए थे, उसके बाद मुलाकात हुई थी, उसके बाद तमाम एक विवाद उठा था राफेल मामले को लेकर, उसके बाद भी उन्होंने उसमें कहा था कि नहीं। बहुत सज्जन और भले इंसान थे वो, और असाध्य रोगों से घिरे हुए थे। आज उनका निधन हो गया है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार के ऊपर ये बड़ा भारी वज्रपात है, और उनका निधन जो है वो गोवा की राजनीति जो है उसमें एक बड़ा शून्य पैदा करेगा, इसलिए ये दुखद है। धन्यवाद। कैंसर की बीमारी जब डॉक्टर ने आगे कोई उपाय नहीं है ऐसा बताने के बाद भी लगातार काम करते रहना, और पिछले महीने में हमारे एनआईटी का शिलान्यास उनके घर में ही हमने किया, और तब भी उनके जज्बे को सलाम करने के लिए मैं गया था, तो ये एक अद्भुत भारत की राजनीति का पर्व है कि जहां इस तरह की निष्ठा हमने देखी है, तो उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्हें एक ही साथ में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था, मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मनोहर जी राजनीति में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना व्यवहार, अपनी कार्य पद्धति सबके सामने एक आदर्शवत कार्यकृति बनाई थी। उनको खोने से आज हम सबने एक महान नेता को जरूर खोया है, साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है, और ऐसी क्षति भरने के लिए मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगा। मनोहर पर्रिकर का निधन देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी संवेदना है, ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। आईआईटी मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्रेजुएट इंजीनियर, विचारधारा के प्रति समर्पित, बहुत ही योग्य प्रशासक, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि सभी उनकी बात मान, और गोवा के विकास के लिए वो काफी सक्रिय थे। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके, इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे, तो बहुत पीड़ा है। मेरे अच्छे मित्र थे, पार्टी के नेता थे, मैं उनको बहुत संवेदना देता हूं। गोव्याच्या मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी त्यांनी यापूर्वी घेतल्यानंतर राज्य उत्तम रीतीने चालवण्याच्या संबंधीचा आदर्श त्यांनी त्या ठिकाणी दाखवला। देशाच्या संरक्षण खात्याची जबाबदारी त्यांच्या खाली एक महत्वाचं काम त्यांच्या सोपवलं गेलं, परंतु प्रकृतीच्या संबंधीच्या मर्यादा लक्षामध्ये घेऊन त्यांनी ते पद सोडलं आणि पुन्हा एकदा गोव्यात जाऊन गोव्याच्या जनतेची सेवा करण्याची कामगिरी केली। पर्रिकरांचं निधन हे नुसतंच गोव्याच्या जनतेचं एक दुःख नाही किंवा त्यांचंच नुकसान असं नाही, या देशातला भारत मातेचा एक सुपुत्र गेला, याचं दुःख तुम्हाला मला सगळ्यांना। जो मैंने सुना कि पिछले कई दिनों से गोवा के मुख्यमंत्री पर्रिकर इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज अभी रिपोर्ट आ गया कि इनकी तबीयत खराब हो रही थी सुबह से और आज हमारे में रहे नहीं। वो पर्रिकर कई सालों से महाराष्ट्र
गोवा की मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालती थी। उन्होंने राज्य प्रशासन को एक नई दिशा दिखाई और गोवा छोटा राज्य है मगर इस राज्य के बारे में दुनिया के अलग अलग देशों से लोगों के मन में एक दिलचस्पी पैदा करने के लिए बड़ा योगदान दिया। मनोहर पर्रिकर हमारे बहुत ही अभिन्न मित्रों में थे और उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से सादगी से भरा हुआ था और कुछ मूल्यों के प्रति वो पूरे जीवन भर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे और एक फर्म कन्विक्शन के एक ऐसे नेता थे, निरीक्षा शक्ति वाले नेता के रूप में उनकी एक मान्यता थी और देखा होगा कि जीवन के अंतिम क्षणों तक बराबर अपने को उन्होंने सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की और अंतिम समय तक वह बराबर सरकार चलाते रहे। उनके अंदर जब वो बीमार थे तो मैं स्वयं मिला था लेकिन उस समय भी मैंने देखा कि वह एक उत्साह से भरे हुए थे पूरी तरह से। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पार्टी की भारी क्षति हुई है और इस देश का भी एक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सादगी से राजनीति करने वाला है। एक व्यक्तित्व तो हम सबके बीच से चला गया, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे व्यक्तिगत रूप से, मेरे व्यक्तिगत जीवन में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी वो मेरे बहुत ही नजदीक के मित्र थे। उनके जीवन के सुख दुखों के साथ मेरा सतत संबंध रहा। गोवा के राजनीति में जब जब जाता था तो स्वाभाविक रूप से उनके कारण संबंध और बढ़ा और मेरे ऐसे बहुत ही निकटस्थ मित्र को आज मेरे साथ वो नहीं है, इस बात का मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा दर्द और दुख है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये हादसा सहन करने की ताकत दे, यही ईश्वर चरणों में मेरी प्रार्थना है। मुझे भी उनके साथ लंबे समय काम करने का अवसर मिला, इतना सादगी, इतना साफगोई के साथ, इतना स्पष्ट विचार और डेवलपमेंट के प्रति जो उनका एक नजरिया था हम जैसे लोगों के लिए, और मैं जब भी उनसे सुझाव लेता, जब भी उनसे बात करता, हर विषय में उनका एक अलग दृष्टिकोण होता था। IIT से निकल के एक राजनीति के क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है इस विषय पे, और एक बहुत भला आदमी हम सबके बीच से चला गया जिसको देश की जरूरत थी, जिसके विकास और डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था वो गोवा से हटकर गोवा के साथ पूरे देश के लिए एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसको आज सबसे ज्यादा देश की जरूरत थी। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा जब मैं नागरिक उड्डयन मंत्री था और वो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, तो जब भी मैं जाता था तो उनसे नया एयरपोर्ट बने, नया पुल बने, इसी में लगे रहते थे। बीमारी से संघर्ष करते हुए भी उन्होंने कहा था कि अपने सांस का एक एक पल इस देश की सेवा में लगाएंगे और लगाया उन्होंने। बेमिसाल शख्सियत, बेदाग सियासत के धनी थे और यही वजह है कि आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। वक्त आप अपेक्ष का जल्द वापस लौटते हैं। लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। paisabazaar.com पे